अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये आप लोगों का हर शो में करूँगी, क्योंकि जो फीडबैक मिल रहा है, जो आप लोगों के पेज पे मैसेजेस आ रहे हैं और अप्रिसिएशन जो मिल रही है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज देखें चौथा दिन है, कल वीक भी ख़त्म हो जाएगा, टाइम का पता ही नहीं लगता। बल्कि मैं यही सोच रही थी कि इतना टाइम, इतना ही रेसिपीज़ निकालना, जब मुझे पता लगा था काम करना है, मैं हर वक्त यही सोच रही होती थी कि कैसे होंगे इतने सारे शोज, इतनी सारी चीज़ें, बट टाइम रुकता नहीं। अच्छा हो बुरा हो, टाइम गुजर ही जाता है। कल का शो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, इन्जॉय किया होगा। ऑफ़ कोर्स फीडबैक आया था, जिन लोगों ने मिस कर दिया है, आप लोगों के लिए एक ये गुड न्यूज़ है कि हमारी रेसिपीज़ शो की जितनी रेसिपीज़ हैं, जो भी इमीडिएटली, लाइक आप समझो 8 o'clock शो फिनिश होता है, 8:05 पे सारी रेसिपीज़ आर ऑन द पेज, लाइक विद इन 5 मिनट्स। तो जो भी स्टेप मिस हो गया हो आप लोगों का, या रेसिपी मिस हो गई हो, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिले, ज़ाहिर है मेरे भी कमिटमेंट्स होते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझसे जितना होता है मैं जवाब दे देती हूँ। आप लोगों को कोई चीज़, किसी सॉस के बारे में पूछना हो, किसी प्रोडक्ट के, किसी ब्रांड के, जो कुछ भी आप लोगों को पूछना हो, आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आज भी 3 बहुत मज़े की चीज़ें बन रही हैं। आज मेरी एक पसंद की चीज़ है जो मैं आज बना रही हूँ, क्विश। ठीक है, आई लव क्विश, बट आज जो मैं क्विश बता रही हूँ, दैट इज़, उसका नाम ब्रेकफस्ट क्विश है। वैसे उसका नाम होना चाहिए था क्विश विद अ ट्विस्ट, क्योंकि इसको हम ब्रेड स्लाइसेस के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको वो समझाऊंगी। उसके बाद हम आज बहुत मज़े का एक डिज़र्ट बना रहे हैं, जिसका नाम है चॉकलेट मोका क्रीम डिज़र्ट। और वो उस डिज़र्ट में स्पेशल बात क्या है, उस डिज़र्ट में स्पेशल बात ये है कि हमारे पास आज है इटालियानो। ठीक है, और इटालियानो के ब्रांड्स जो हैं, इटालियानो के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बेहतरीन हैं। मैं चॉकलेट ख़ास तौर पर इटालियानो का ही यूज़ कर रही हूँ, और आज से नहीं, बहुत टाइम से। आपको पता है बेकिंग में, कुकिंग मेरी, केटरिंग वगैरह में चॉकलेट का कितना इस्तेमाल हो रहा होता है, तो मैं टोटल चॉकलेट जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं इटालियानो की यूज़ करती हूँ। यहाँ पर सामने सब कुछ है, मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताती जाऊँगी। कोको पाउडर भी उनका बहुत अच्छा है। और जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है फ्राइड चीज़ क्रैकर्स। ये बहुत सिंपल भी है और बहुत डिफरेंट भी है। क्रैकर्स में चीज़ डाल के इसको फिर हम अंडे में डिप करके, और ब्रेड क्रम को सीज़न करेंगे, उसके बाद उसको रोल करके उसमें फ्राई करेंगे। दिस इज़ वेरी गुड फॉर रमज़ान, एंड अगेन रमज़ान में तो भी खैर टाइम है, और बच्चों की बर्थडेज़ के लिए, हाई टी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा डिफरेंट सा स्नैक है। ठीक है, होता ये है मेरे साथ तो हमेशा, कल जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब हाई टी या कोई मेन्यू बनाना होता है ना, सबसे मुझे लगता है खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मेन्यू सेट करना, मेन्यू बनाने के लिए भी एक प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि सारी सालन हो, उसमें 2 किस्म के चावल हो, एक प्रॉपर सेट मेन्यू होना चाहिए। लेकिन जब हाई टी की मेन्यू की बात आती है ना, तो इतनी चीज़ें मैं बनाती हूँ, बल्कि मेरी घर की मेड भी मुझे कहती है कि आप इतनी चीज़ें क्लासेस में बनाती हैं, जब घर की दावत आती है तो आपने वही सारी पुरानी चीज़ें, होता है चीज़ें याद ही नहीं आती। तो ये जो आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं, ब्रेकफास्ट की, चाय की, लंच की, वो सब अलग अलग फोल्डर्स बना के रख लें, सो दैट जब घर में दावत हो, सो इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू कि आपने उसमें से निकाला और चूज़ कर लिया। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगी ब्रेकफास्ट क्विश से, क्योंकि इसको बेक करना है। इसके बाद मैं डिज़र्ट बनाऊँगी, क्योंकि उसको भी बेक करना है। ठीक है, लेकिन डिज़र्ट आज पहले इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बेक करना है, ठंडा आज इतना नहीं करना है उसको। अच्छा, ये देखें, सबको पता है कि क्विश टार्ट ट्रे में बनती है। ठीक है, तो ये जो, अच्छा मैंने इसको ऐसे पकड़ना है तो ये गिर जाना है। करना क्या है कि इसमें मैंने ली है 1 2 3 4 5 6 8 सैंडविच लोफ लिया आपने। सैंडविच लोफ लेने के बाद उसके आपने साइड्स निकाले। साइड्स निकालने के बाद आपने उसको पतले वाले रोलिंग पिन से, बेलन से रोल किया। जब ये आपने इसको रोल कर लिया, आपने पूरे 8, 9, 10 जितने स्लाइसेस हो सकते हैं, ये 9 इंच का पैन है आपका, अगर 12 इंच ज़्यादा फैमिली बड़ी है या दावत के लिए 12 इंच का पैन में बनाना है तो आप ज़्यादा स्लाइसेस ले लेना, वो सब एक साइड पे रखें पतला करके रोलिंग पिन से। उसके बाद आपने इसको एक एक स्लाइस को उठा के और इस पर इस तरह से लगाना है। अब इसको सबसे पहले इसको ब्रश करना है बटर से। ठीक है, पैन को, टार्ट को, ट्रे को बटर से ब्रश करने के बाद आपने इसको वन फोर्थ आप साइड को बाहर छोड़ोगे, बाकी इसको इसमें आप असेंबल करोगे। असेंबल करते करते ये आपको येलो येलो जो दिख रहा है, दिस इज़ एग।
एक अंडा बीट करके आपने हर कोने पे ब्रश से इसको लगाना है, सो दैट ये आप देखो चिपक गई है, ये इसको हमने चिपकाना है। और बीच में ऑब्वियसली आप एक लगाओगे तो टोटल एट हो गई। साइड जो बचा है वो रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आप जैसे टार्ट का हम लोग बनाते हैं नाइफ से इस तरह आराम से काट देते हैं, वो कट जाता है। बट मज़े की बात है ब्रेड इतनी फ्रेश थी कि मैंने छुरी यूज़ ही नहीं की, इस तरह मैंने हाथ से करती गई थी और वो ब्रेड आराम से हो गई। तो आप ये देखो ये नीट एकदम, ये साइड इसके नीट हो जाने चाहिए। अब मैं इस पर दोबारा थोड़ा सा ब्रश करूँगी बटर और इसको मैं बेक करूँगी। इसको मैंने बेक नहीं किया था, ये मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ था। फ़िलहाल मैंने सिर्फ टार्ट ट्रे को ग्रीस किया था बटर से, और ये जो सारा है येलो येलो दिस इज़ द एग। एग इसलिए लगाया था सो दैट इसको मैं चिपका दूँ, ब्रेड स्लाइसेस एक साथ चिपक जानी चाहिए। और अब ये बेक होगा, ब्लाइंड इसको बेक करूँगी मैं। ये कितनी देर के लिए बेक होगा? 10 मिनट्स। प्री हीटेड है अवन मेरा, 180 डिग्रीज 10 मिनट्स के लिए बेक होगा। ठीक है, जब तक ये बेक होगा मैं इसकी फिलिंग बनाऊंगी। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं फिलिंग की सारी इधर तैयारी करके एक तरफ रखती हूँ, आप लोग जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेके आएँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी ब्रेकफास्ट की इसकी फिलिंग कैसी बनेगी। स्टे विद अस। अभी जिन वेलकम बैक, अभी जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है मैं आप लोगों को बता दूं, आज 3 बहुत मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। ब्रेकफास्ट कीश, चॉकलेट मोका क्रीम कस्टर्ड एंड चीज़ फ्राइड चीज़ क्रैकर्स। ठीक है, कीश हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत से लोग कीश बनाते हैं, बहुत से लोगों ने आपको कीश सिखाया हुआ भी होगा। ब्रेकफास्ट कीश इसका नाम इसीलिए है क्योंकि मैं इसको ब्रेड स्लाइसेस के साथ बना रही हूँ। हर चीज़ में अच्छी बात है वेरिएशन करना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपीज़ को बनाना चाहिए, वही चीज़ों आपको पता है फिर बेजार हो जाते हैं खा के। इसके लिए ब्रेड का जो मैंने टार्ट ट्रे में सारा कुछ असेंबल करके उसको अवन में रख दिया 10 मिनट के लिए, 5 मिनट हो गए, मैं 5 मिनट बाद निकालूंगी। अब मैं यहाँ पर इसकी फिलिंग बनाऊंगी। इसके 2 स्टेप्स हैं, एक इसकी सारी वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह को हम इसमें मिक्स करेंगे, और दूसरा जो इसकी टॉपिंग होगी वो बनेगी। इसमें मैं डाल रही हूँ इटालिया का पॉमिस कुकिंग ऑयल 1/4 कप, इटालिया आपको पता है स्पेन से डायरेक्ट इम्पोर्ट होता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन टिक्का के जो चंक्स होते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें हंट बीफ यूज़ करें, आप इसमें टिक्का यूज़ करें, आप इसमें सॉसेजेस यूज़ करें, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मीट इज़ अप टू यू, आपका जैसे दिल चाहे जिस तरह दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। 1 कप है ये चॉप करके। वाटर कप कॉलर है, उनसे बात करके फिर मैं दोबारा आपको बताती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, हवेला बात कर रही हूँ आरेवाला से। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या कहेंगी? आज मेरे लिए बहुत लकी है, आपकी वजह से मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। इवनिंग विद शिरीन पे? जी जी। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। 11-12 साल हो गए मैं आपका शो देख रही हूँ, लेकिन अभी तक शीरी अपना से मेरी बात नहीं हुई। अच्छा, चलें ठीक है, तो वाकई बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। क्या कहेंगी, कहिए। बहुत अच्छा शो कर, मैं यही पूछने लगी थी कि सबसे पहले बताएं आपको शो कैसे लग रहा है, आपने खास तौर पे मेरे लिए ट्राई की है कॉल, या आपने इवनिंग विद शिरीन पे अपनी आपा से बात करने के लिए कॉल की थी? ये बस आपकी लग। अच्छा ठीक है, कोई फरमाइश करेंगी?
मेरी ये फरमाइश है कि एक पहले 2002-3 में ना एक केक मिला करता था, उसके ऊपर वो कोकोनट लगा होता था, बहुत सॉफ्ट केक था वो। आम शॉप पे मिलता नहीं है तो वो ना इससे आप अर्शद का फूर से कि वो बनाना सिखा दें। कोकोनट केक, कोकोनट केक नहीं, वो आम बेकरियों में मिलता था मोहल्ले की, तो अब नहीं वो मिल रहा, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक होता था वो। नहीं, वो ड्राई होता था या आइसिंग के साथ होता था? ड्राई, वो उसके ऊपर शीरा वगैरह डालना होता था उन्होंने। अच्छा, कोकोनट केक, मैक्रून केक तो नहीं? नहीं, मैक्रून नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, मैं शेफ अरशद से बोल दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हो सकता है हाँ, आइस कोकोनट पूछना पड़ेगा शेफ से। अच्छा, मैंने इसमें तेल लिया था इटालिया का, ऑलिव ऑयल आपको पता है, उसके साथ मैंने इसमें गार्लिक डाल के उसको फ्राई किया, साथ ही इसमें वेजिटेबल्स डाल दिए, स्वीट कॉर्न इटालिया का आपको पता है जिसके बगैर मेरा खाना नहीं बनता, और प्याज स्लाइटली बारीक चॉप की हुई वो डाल दी। अब मैं इसमें बाकी सीजनिंग्स डालूंगी। ठीक है, सीजनिंग्स में मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्ची, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून ईच, सीजनिंग्स ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ओरिगैनो जाएगा, बट ओरिगैनो मैं यूज़ करूँगी इटालियनो का। ठीक है, इटालियनों को ज़रूरी नहीं आप सिर्फ मीठा बनाएं, आप देखें इनकी पार्मेजियन चीज़ भी है, पार्मेजियन चीज़ मैं अपने क्रैकर्स में यूज़ करूँगी। ओरिगैनो है मेरे पास 1 टीस्पून, बेहतरीन खुशबू है इस ओरिगैनो की, बिल्कुल फ्रेश। अब मैं इसमें सॉसेस डाल रही हूँ, विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस। विनेगर है मेरे पास 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ये वो है चिली गार्लिक नहीं है, पतली वाली जो सॉस होती है वो है। कॉलर है हमारे साथ रेहाना बहरेन से, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हो तुम्हारा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू द इवनिंग विद शिरीन। थैंक यू सो मच। और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछना था जी, जो आपने मीठा बनाया था उसमें बिस्किट स्प्रेड डाला था ना आपने? बिल्कुल डाला था। तो हाँ, वो क्या चीज है वो, मतलब बाजार का है? मैं बता सकती हूँ, मिलता बाज़ार में है, बिल्कुल आजकल बहुत पॉपुलर हुआ हुआ है। अगर आप बहरीन में किसी मशहूर बेकरी या कहीं जाएंगी, बहुत पॉपुलर है, बिस्किट स्प्रेड है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, वो नहीं है, उसी से मिलता जुलता है, बिस्किट स्प्रेड है, ब्राउन कलर का होता है, उसका नाम ही बिस्किट स्प्रेड है, पीनट बटर की तरह होता है ब्राउन कलर में, बिस्किट का उसका लोटस कुकीज नाम है, वो उसका स्प्रेड होता है। उसका नाम क्या है? बिस्किट जो कुकीज है ना उसके, उसका नाम लोटस कुकीज होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, आप दोबारा बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, सलाम कहना जरूर, अल्लाह हाफिज। कुकी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, उसी के हिसाब से फिर आप उसका स्प्रेड ले लेना, लोटस कुकी नाम होता है, जो उसका बिस्किट होता है ना उसका नाम लोटस है, वो उसी का स्प्रेड होता है, रेड ढक्कन उसका, रेड कैप होता है बॉटल का। ठीक है, ये हो गया है, बस इसको 10 मिनट्स के लिए ही बेक करना था,
अब मैं इसमें ये फिलिंग डालूंगी, फिलिंग डालने के बाद इसकी हम टॉपिंग बनाएंगे और टॉपिंग डालेंगे। अच्छा एक चीज़ और, सोया सॉस यहाँ पर लिखी हुई थी 1 टेबल स्पून, मैंने 1 टीस्पून डाली है क्योंकि मुझे इसका कलर नहीं डार्क करना था, कलर नहीं ख़राब करना था, ठीक है। इसलिए वेजिटेबल्स चले गए, चिकन टिक्का चंक्स चले गए और सारी सीजनिंग्स और सॉसेस चली गई। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ये हो गया है, ओरिगैनो मैंने डाल दिया इटालियनो का। अब ये यहाँ पर जो चीज़ है, क्रीम है, अंडे हैं और ऊपर की टॉपिंग है ये। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये एक चीज़ बनी हुई है, ये क्या है, ये है थिक वाइट सॉस, ठीक है। वाइट सॉस सबको आती है बनाने, लेकिन फिर भी मैं पोर करते करते, फिलिंग करते करते आप लोगों को साथ साथ बता दूँगी। अब आप लोग स्टेप इसके समझ लें, ये नंबर 1 स्टेप हो गया, ब्रेड स्लाइसेस अरेंज किया, उसको बेक कर लिया। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी वाइट सॉस, फर्स्ट स्टेप, ब्रेड के ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी वाइट सॉस। वाइट सॉस स्प्रेड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ग्रेटेड चीज़, यहाँ पर जो मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई है ये मैं डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें ये फिलिंग डालूँगी, चिकन और हमारी वेजिटेबल्स की फिलिंग डालूँगी। फिलिंग डालने के बाद फिर लास्ट में मैं इसकी टॉपिंग आपके सामने बनाऊँगी, अंडे, दूध और क्रीम। इसकी टॉपिंग बना के टॉपिंग इसके ऊपर पोर करेंगे और फिर इसको हम दोबारा बेक करेंगे। वाइट सॉस किस तरह बनती है सबको पता है। आपने 2 आउंस मक्खन लिया, ये 1 कप जितनी है, आपने 2 आउंस मक्खन लिया। मक्खन लेने के बाद उसको मेल्ट किया, उसमें आप उस मक्खन को आपने सीजन किया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, ठीक है, उसमें आपने सीजन किया अपने बटर को। उसके बाद उसमें आपने 2 टेबलस्पून फ्लावर डाल दिया। फ्लावर डालने के बाद आपने उसको मिक्स किया, मिक्स कर, अच्छा मुझसे लोग बहुत सारे क्लासेस में भी मेरे पूछते हैं कि वाइट सॉस में हमारे लम्स आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा एक बहुत सिंपल तरीका ये बताती हूँ कि जब आपने फ्लावर को डाल के मक्खन और सीजनिंग्स के साथ मिक्स किया ना, आप उसको चूल्हे से उतार दो। चूल्हे से उतारने के बाद अपने पैन को फिर आप उसमें अपना लिक्विड डालें, चाहे आप दूध डाल रहे हैं, चाहे आप अपना स्टॉक डाल रहे हैं या आप पानी डाल रहे हैं। उसके बाद चूल्हे से उतार के अपना लिक्विड डाल के उसको विस्क से, विस्क अच्छे से करके और फिर चूल्हे पे रखें, कभी लंप नहीं आएगा, स्मूथ बिल्कुल बनेगी, ठीक है। इस टेक्सचर की आपको बनानी है वाइट सॉस, बहुत थिक नहीं बनानी है। इसके बाद हम डालेंगे इस पर चीज़, ग्रेटेड, चेडर डालिएगा, इसमें चेडर अच्छी लगेगी। ग्रेटेड ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी फिलिंग, आपको मैंने बताया आप इसमें हंटर बीफ डालो, सॉसेजेस डालें बच्चों के लिए, जो दिल चाहे आप उसमें ऐड कर सकते हो। आज मुझे इतना ये खाली खाली, मतलब अजीब अजीब लग रही है ये मेरी रेसिपी, कोई बता सकता है क्यों? इसमें कौन सी एक चीज़ ऐसी है जो नहीं है, इसीलिए ये इतना कलरलेस लग रहा है, ब्लैंड लग रहा है। अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया है, ठीक है। मैं आपको 1 सेकंड सिर्फ मुझे दे दें, मैं ये सिर्फ आपको समझा दूं, करना कुछ भी नहीं है। क्रीम, अंडे और दूध, इन 3 चीज़ों को मैं इसी तरह के बोल में डाल के हल्का सा सिर्फ मैं इसको विस्क से विस्क करके इसके ऊपर पोर कर दूंगी और उसके बाद ये पूरी हमारी जो टार्ट की ट्रे है ये चली जाएगी अवन में बेक होने के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं, ये 3 चीज़ें मैं वापस आके एक दफ़ा रिपीट करूँगी। स्टे विद अस।
आपने अंडे सेपरेट कर लिए हैं, डिज़र्ट हम बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट कीश चली गई अवन में। ब्रेकफास्ट कीश में मैं वैसे आप लोगों को जो कह रही थी जो मिसिंग है वो तो धनिया था कलर, लेकिन हकीकत में मैं एक चीज़ भूल गई थी, ये इटालिया के मशरूम्स यहाँ पड़े हुए थे। इटालिया का कॉर्न, स्वीट कॉर्न और मशरूम्स दोनों डालने थे, तो वो मैंने ऊपर से डाल दिए। एक दफ़ा आप लोग इसकी शक्ल देख लो सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह। ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह हमने ऊपर से मशरूम डाल के ऊपर मैंने टॉपिंग डाल दी और ये अब मैंने 180 डिग्रीज पे बेक करने रख दिया। ये हो गया, अब मैं बनाऊंगी हमारा चॉकलेट मोका क्रीम कस्टर्ड। इसके लिए करना क्या है कि हर चीज़ मैं एक साथ सॉस पैन में डाल के और मुझे कुक करनी है। सबसे पहले इटालियनो के चॉकलेट चिप्स, मोका सबको पता है कॉफ़ी फ्लेवर होता है, और ये आप देखें इटालियनो के वेनिला एंड चॉकलेट चिप्स, कितना ज़बरदस्त है ये। आधा कप चॉकलेट चिप्स जाएगा इसमें। ओ कूल, इतने मज़े से ये पैक हुआ हुआ है। आपको पता है इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि तीनों चॉकलेट्स इसमें अवेलेबल हैं, वाइट, डार्क एंड मिल्क, तो जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये चला गया इसमें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कॉफ़ी 1 टीस्पून, और इसमें मैं डालूंगी शुगर, कैस्टर शुगर 1/2 कप, और हम इसमें डालेंगे इटालियनो का कोको पाउडर। आप इसके कोको पाउडर का कलर देखना, नॉर्मली ये होता है कि कोको पाउडर बाज़ार में इतने कभी बिल्कुल ही लाइट मिल रहे होते हैं, कभी बिल्कुल ही डार्क मिल रहे होते हैं, जो एक एग्जैक्ट कलर होता है ना आपकी चॉकलेट की चीज़ों का वो नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी विथ इटालियनो का कोको पाउडर, क्योंकि दिस इज़ माई टाइप। ये मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। ये सब कुछ डाल के इसको हम चूल्हे पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें एग योक्स, 4 एग योक्स डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसका कलर आप देखो, इसके बाद इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के और इसको आप रख लो, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की, आराम से इसको एयरटाइट बॉक्स में बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होता। इसको मैं अभी ठीक करूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी व्हिप्ड क्रीम 2 कप्स। जी कॉलर हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मरहबा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, सब आप कैसे हो? बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल आप जैसी, बहुत ठीक हूँ। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मरहबा जी, मुझे ना आपसे एक तो फरमाइशें करनी थी, दो जरूर। एक तो मुझे वो ब्लैक पेपर चिकन नहीं है जो, वो स्टेक, स्टेक पेपर स्टेक नहीं, चिकन 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 ब्लैक पेपर चिकन जो है, ठीक है। इसमें ना ये काली मिर्चों का अरोमा है, मेरे से सही बनता नहीं है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो नहीं, केक रस नहीं होते, केक रस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो बनाने सिखा, ठीक है। और ना मुझे ये सोसिस के बारे में पूछना था, जो सोरी की है वो यहाँ से नहीं मिलती, हम लोग कहाँ कैसे ले सकते हैं? क्या क्या ये सोसिस नहीं जो आप इस्तेमाल करते? सूरी, हाँ जी सूरी। कहाँ रहते हो आप? हम लोग चीजापत्नी में, यहाँ पे मैंने पता करा है, नहीं मिली। लाहौर में है, फैसलाबाद में भी है, अच्छा, मुल्तान में भी है। अम्मी फैसलाबाद में रहती हैं, इसका मतलब फैसलाबाद में मिल जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैसलाबाद में है, आप बिल्कुल मंगवाएं अम्मी से। अच्छा, अम्मी किस दिन काम आएंगी, लिस्ट बनाएं और भेज दें उनको। हाँ जी हाँ जी, यही करूँगी। और ना मेरा भाजी, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरे खाने में बनाती हूँ उसमें खुशबू नहीं आती, में तरह भी नहीं, बन से ही जाते हैं,
लेकिन जो महक होती है ना वो खुशबू नहीं आती उसमें। देखिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो मसाले, तेल, तेल आप कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ है नेमत कंपनी का नाम है, यहाँ पे है वो, अच्छा है, हम शुरू से वही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जैतून भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सर्दियों में करते हैं, फिर गर्मियों में जरा मसला हो। बिल्कुल ठीक है, नहीं उसका कोई इशू नहीं है, वो ठीक है। बाकी मसाले, सब्जी, हर चीज, आप क्या, आप किस तरह की खुशबू चाह रही हैं, आप क्या अरोमा चाह रही हैं? अगर कुछ भी मतलब खाने बना रहे हैं हम लोग, अगर राइस बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो आखिर जब वो टिफिन बॉक्स खोले उसकी महक तो आनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप प्लीज बुरा नहीं मानना और ना आप ये समझना कि मैं अपने ब्रांड को प्रमोट इस तरह कर रही हूँ, मैं आपसे सच बात करूंगी, ठीक है? सबसे मैंने खुद नोटिस किया है, जहाँ पर भी तेल की गड़बड़ होती है, आप कुछ भी कर लें आपका खाना ठीक नहीं बनेगा। आप एक बार खाने अपना ऑयल चेंज करके देखें, डेफिनेटली आप इटालिया लें। एक मिसाल, अगर आप नहीं ले सकती इटालिया तो चले ठीक है, लेकिन दूसरी भी कोई, आप ये जो ऑयल बता रही हैं ये मैंने भी कभी नहीं सुना है, तो हो सकता है आपके तेल का इशू। और स्पेशली जिस तरह आपने बताया मुझे कि जब डब्बा खोलें तो स्मेल आती है, दैट इज़ ओनली ऑयल। मसालों में इस तरह की मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको स्मेल नहीं आती। मैं सब हाँ वो अरोमा, बिल्कुल बिल्कुल वही मतलब है, ख़राब चीज़ नहीं है लेकिन वो एक अच्छा खुशबू, एक अच्छा अरोमा। कह रही है सारी बात, इतनी मेहनत होती है हमारी। एग्जैक्टली मेहनत के अलावा महंगाई देखें, बिल्कुल मेहनत, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया इस चीज़ को, वाकई मैं मानती हूँ। और मैंने इसीलिए ही आपको कॉल करी है कि उसका मैं पूछ लूँ कहाँ से ये चीज़ें मिलती है, मैं मंगवा लूँ। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप ही, आपने वो पेस्ट्री की बात की थी ना, वो मंगल वाले दिन है ना, हार्ड आइस एक पेस्ट्री मैंने भी खाई थी छोट बचपन में। अच्छा। वो ये था उसका के ना, जैसे मुझे नहीं पता ये स्पंज केक की थी या हाँ, कुछ भी था, ये लेकिन उसी तरह की थी, कोई क्रीम नहीं थी उसमें, और उसमें ना वो जो है ना नारियल उसको साइड में लगा हुआ होता था। बिल्कुल हाँ जी, नारियल लगा, बिल्कुल 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 मिठास वाली, बिल्कुल कैसे बनेगी तो ये वही है, तो ये वही है। आप प्लीज़ इसको बनाएं, मैं आपको बताती हूँ नारियल का आपका मसला कैसे हल होगा। आप डेसिकेटेड कोकोनट लें, ठीक है, और साइड में जैसे हमने जब साइड अपने काट के नीट किए थे, वो सारा कोकोनट आप इस तरह अपने हाथ में लेके इस तरह अपनी पेस्ट्री पे चिपका दें, वो आपकी कोकोनट पेस्ट्री बन गई। बेकरी वाले यही तो करते हैं और क्या करते हैं, आप ये ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया है, जब तक मैं इसको कुक कर रही हूँ, कुक करके आप लोगों का वेट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाके वापस आएँ सो दैट मैं इसमें एग योक्स मिलाऊँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेकफास्ट की रेडी है, उसको मैंने निकाल के उस पर रख दिया है टेबल पे अपने, अभी गर्म है, जब वो ठंडा होगा तो मैं उसको पुश आउट कर दूंगी। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं बना रही हूँ चॉकलेट मोका क्रीम कस्टर्ड। इसके लिए करना हमने क्या है, 2 कप व्हिप्ड क्रीम लेनी है, कैस्टर शुगर 1/2 कप, चॉकलेट चिप्स इटालियनों के वाइट एंड मिल्क बोथ, वो कॉफ़ी 1 टीस्पून। ये सब कुछ लेके आपने एक साथ इसको सॉस पैन में इतनी देर कुक करना है कि बस आप ये देखो इसका एक स्मूथ एक टेक्सचर ही आ जाए, क्रीम का या चॉकलेट चिप्स कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। ये करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 अंडों की जर्दी सेपरेट कर ली थी, थोड़ा सा जब तक मैं इसको हिलाऊंगी हल्का सा कि ये यहाँ अंदर जाके स्क्रैम्बल ना बन जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये रैमेकिन्स हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आप लोगों को ऑब्वियसली सबको पता होगा कि ये रैमेकिन्स हैं। इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद वाटर बाथ के ऊपर इसको मैं बेक करूँगी। वाटर बाथ क्या होता है, किसी भी ओवन की ट्रे में आप पानी, आधा पानी डाल के और इसको इस तरह डिप करके और फिर आप इसको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अंडे डालने के बाद इसको छोड़ना नहीं है। चार अंडे इसमें गए हैं जर्दी अंडों की, पर इसमें एसेंस नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसमें कॉफ़ी है, कॉफ़ी का जो इतना ज़बरदस्त सी खुशबू है उसमें फील ही नहीं होगा आपको अंडों का। ये ठीक है, और इसमें आपको पता है कि हमने यूज़ किया, आप कलर देख रहे हो, मैं आपको कोको पाउडर यूज़ करते हुए कलर का कहा था, इटालियानो का कोको पाउडर यूज़ किया है, इटालियानो की कोको चॉकलेट चिप्स मैंने यूज़ किए। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। क्या कहेंगी, मैं आपकी रेसिपी देख रही हूँ, बहुत अच्छी बना रही हैं आप। आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। कल आपने चिली चीज़ कॉर्न कप्स बनाए थे, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। अच्छा, कल का भी शो देखा आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आई एम सो ग्लैड। जब आप लोग को पसंद आता है, बहुत फेवरेट हैं, बहुत अच्छा करती हैं काम आप। जब आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग अप्रिशिएट करते हो, तो लगता है कि मेहनत वसूल हो गई। थैंक यू सो मच जी। और आपा हमारी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है, एंजॉय कर रही हैं जी। सही है, हमारा सलाम कहिएगा। ज़रूर कहूँगी। दूसरी बात के आप जो है वो नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी चला गया है पेज पे, वो भी आप ज़रूर देख लेना, और नेक्स्ट वीक भी आपने इसी तरह साथ रहना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। ज़रूर प्लीज़ कॉल करके बताइएगा। थैंक यू इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सिक्स इसमें एक्यूरेट बन जाते हैं क्वांटिटी। और ये ओवरटर्न नहीं होते, ये इसी तरह इन्हीं बोल्स में, आपको पता है आजकल हमारे कराची में जो ये नया ट्रेंड है सिंगल सर्विंग का, तो ये इसी में ही सर्व होंगे, तो आप इसी में बनाएं और इसी में सर्व होगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको डालूंगी वाटर बाथ के ऊपर और मैं इसको बेक करूंगी अबाउट 25 मिनट्स के लिए। और इसको हम डेकोरेट करेंगे, आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे। वहाँ पर मैंने एक सिंगल सर्विंग का भी, आपको पता है मुझे शौक़ है हर चीज़ सिंगल सर्विंग करके सर्व करने का भी, तो वहाँ पर मैंने एक प्लेटर सेट कर दिया है जो हम सिंगल सर्विंग करके उसको सर्व करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसको मैं ब्रेक में करूँगी। ठीक है, वो एक्चुअली हमारी अवन की ट्रे में पानी डाल दिया है, बट वो भारी है, तो मैं जो हूँ उसको ब्रेक में निकाल के और फिर करूँगी। ये सिक्स रैमेकिन्स बन गए, ये बेक होंगे 25 मिनट्स के लिए। टाइम मेरे पास ठीक अच्छा खासा है, अभी आराम से ये बेक हो जाएंगे, फिर मैं इसको आपको सर्व करना बताऊँगी। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक में मैं अपने चॉकलेट मोका क्रीम कस्टर्ड डालूंगी अवन में, और मैं अपनी थर्ड रेसिपी की यहाँ पे प्रेपरेशंस करूँगी। आप जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, रैमेकिन्स मेरे चले गए अवन में, मैंने आपको बताया था उसको वाटर बाथ पे मैंने बेक करना है फॉर अबाउट 25 मिनट्स। वो जब रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी उसको किस तरह सर्व करना है। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है फ्राइड चीज़ क्रैकर्स।
फ्राइड चीज़ क्रैकर्स किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नेक्स्ट वीक का मेन्यू, अभी फर्स्ट वीक ख़त्म नहीं हुआ है और नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी पेज पर चला गया है, ठीक है। वो अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने आपको हमें बताया, तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग देख लें। उसमें मैंने कुछ फरमाइशें भी स्क्वीज़ इन की हैं। मंडे के दिन पूरा ब्रेकफस्ट बनेगा, तीन, एक ऑमलेट है, एक कोई बाइट्स हैं और एक चीज़ कुछ और है, मफिन्स हैं, ऑमलेट है और वो, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीक के मेन्यू भी देख लें और फिर आपने हमारे साथ ही रहना है। अब ये जो बन रहा है फ्राइड चीज़ क्रैकर्स, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोई भी क्रैकर्स लेने हैं। ये लोकल हैं हमारे, बहुत मज़े के होते हैं ये, आप कोई इम्पोर्टेड ले सकते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, रेक्टेंगल भी आते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो अंडे हैं, उनको मैं बीट करूँगी। ब्रेड क्रम्स हैं यहाँ पर, इनको सीजन करेंगे हम। क्रैकर्स आप ले सकते हो अबाउट, ये मेरे 20 हैं जिसमें से 10 बनेंगे, एक के ऊपर एक रख के हम इसको सैंडविच करेंगे इस तरह। इसके अंदर क्या जाएगा वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये एक चीज़ हो गई, ये दो हो गए, ठीक है। अब मुझे सीजन करना है अपने ब्रेड क्रम्स को, ब्रेड क्रम्स को मैं सीज़न करूँगी। ये मुझे ब्रेड क्रम्स थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, तो बाद में चाहिए होंगे मैं थोड़े डालूंगी, बट आई डोंट वांट कि वो सीज़न किए हुए वेस्ट हो जाएं। ठीक है, इसको अब मैं सीज़न करूंगी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड पेपर एंड पार्मेसियन चीज़। पार्मेसियन चीज़ मैं यूज़ करूंगी, आप लोग देख रहे हैं इटालियनों की, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर, हर चीज़ इज़ ज़बरदस्त। कुटी हुई लाल मिर्ची 1 teaspoon हीप्ड, ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, उनके स्नैक वगैरह के लिए, तो फिर हाथ थोड़ा सा रोक लेना। ब्लैक पेपर मैं कम डालूंगी, हाफ से भी थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे क्रश्ड रेड चिली का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। सॉल्ट 1/2 teaspoon, और इसमें जाएगी इटालियनों की पार्मेसियन चीज़। मुझे नहीं पता किसने मुझसे सवाल किया था, आई डोंट नो, यहाँ पर किसी शो पर किया था या मेरी क्लास में किसी ने किया था, मुझे नहीं पता। बहरहाल पार्मेसियन चीज़ जो है वो मैं भी, आप समझे, 6-8 महीने पहले तक जब भी मैं बाहर अब्रॉड जाती थी, मैं एक कंपनी है क्राफ्ट, उसकी बॉटल्स ले लेके आती थी। अब आप बताएंगे, हमारा ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रांड मिल रहा है, बेकार में हम जाते हैं, अपनी फॉरेन करेंसी ज़ाया करते हैं, हर चीज़ यहाँ पर बेहतरीन मिल रही है। आप इसकी क्वालिटी देखें, वही सेम खुशबू, वही सेम एग्जैक्ट हर चीज़ है, तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर से जाके, बाहर जाएं इंजॉय करें। ये मैं डालूँगी इसमें 3 tablespoons, मेरे हाथ में टीस्पून है इसलिए मैंने 6 डाले। ये तो ज़रूर आप लोग ले लें, क्योंकि ये मेरी रेसिपीज़ में ये बहुत यूज़ होती है। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। अब फिलिंग में क्या जाएगा, कुकीज़ के अंदर हम, क्रैकर्स के अंदर हम डालेंगे क्या, क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ जो हमारी ट्रायंगल्स होते हैं, ये मेरे क्यूब्स हैं, मैंने ट्रायंगल्स नहीं लिए थे, मैंने क्यूब लिया था। तो क्यूब, एक जो स्क्वायर क्यूब होता है उसके मैंने 4 cubes कर लिए, और अब मैं इसको अपने कुकीज़ में डालूंगी, उसके बाद अंडे में डिप करूंगी और फिर ब्रेड क्रम में रोल करके, और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। सोचें फिर ये कैसे बनेंगे, बच्चों की तो ईद है।
ठीक है। यहाँ पर मैं डालूंगी इटालिया का ऑलिव ऑयल फ्राइंग के लिए, डायरेक्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम स्पेन, बेहतरीन ऑलिव्स इसमें यूज़ होते हैं। तीन किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके, पॉमेस, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड लाइट। तीनों के अपने अपने यूज़ हैं, आपको पता है, आपको जिस तरह का यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कौन कहता है ऑलिव ऑयल में फ्राइंग नहीं हो सकती, हर चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब आप लोग गौर से देखना, जितना ऑयल मैंने इसमें डाला है ना इतना ही होगा, ठीक है। ये नहीं मैं और आ सकता है, मैं डाल सकती हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, बस इतना। और ये आप ये भी देखें कि इटालिया की ख़ास बात भी यही है कि कम तेल में हर चीज़ बन जाती है। देखें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आधी कढ़ाई भर के और फिर वो वापस उसको आप रीयूज़ करें, कुछ करें, इसी में ये आराम से यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अंडा मैंने बीट कर लिया। अच्छा, आज मुझे लग रहा है कुछ जल्दी चीज़ें बन गई हैं, तो आप लोग कॉल करें जो भी सवाल हैं आज की रेसिपी के मुताबिक, कल की, परसों की, चौथा दिन है आज आप मेरा, आपको पता है मंडे से लेके आज थर्सडे हो गया, जो भी टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं लगता। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई कंफ्यूजन है, जो भी कोई चीज़ रह गई है, कॉल करें या पेज पे मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे दूँगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम आ गया है, मैं आप लोग के सामने वापस आके, फिर ये करना इसी तरह ही है जो अभी मैंने किया है, बाकी मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी, टाइम है तो मैं सब कुछ आप लोग के सामने आराम आराम से करूँगी। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेके आप लोग जल्दी से वापस आ जाएं। वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने एक फ्राई किया था और दूसरा तेल गर्म हो गया था, तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा सा मैं तेल ठंडा करूँगी। अच्छा, करना क्या है, करना ये है कि हम एक एक अपना क्रीम चीज़ का क्यूब उठाएंगे, अपने कुक क्रैकर में डालेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इतना कि ये टूटे नहीं, और फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसको आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम में रोल करके। बहुत प्रिटी लगते हैं ये डिनर के लिए एपेटाइज़र के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें अच्छी सी ये राउंड लगे हुए हैं, इसमें टूथपिक लगा के कोई भी अच्छा सा डिप बना के। मेरे पास और हैं कुकीज़, मैं और भी बनाती हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं आपको बताना, याद दिलाना, बताना तो नहीं, याद दिलाना भूल गई थी। संडे को इंशाल्लाह हैदराबाद लाल किला में कुकिंग क्लास है 13 अक्टूबर। शेफ समीना, शेफ इरफान वारसी, शेफ रिदा, ये लोग सब जा रहे हैं, आई एम श्योर अपनी यूनिक रेसिपी सिखाएंगे वहाँ पर। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाके उनसे मिलें भी और अच्छी से अच्छी रेसिपीज सीखें भी। 10 to 5 टाइमिंग्स 10 to 5 हैं, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, लंच भी है, हाई टी भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आप लोग जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो जाके और ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लें।
कीश को मैंने रेडी कर दिया था, गार्निश कर दिया था। मैं अब जाऊंगी, जब तक ये मेरा तेल ठंडा होगा मैं चेक करूंगी अपने डिज़र्ट को। केक टेस्टर से चेक करूंगी। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि छुरियां ना डाला करें। ये अभी हो गया है, ये 5 मिनट में मैं इसको निकालूंगी, ये साफ़ हो गया है। 2 से 3 मिनट में बल्कि मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, ये अब जाएगा अंडे में और इसको हम रोल करेंगे ब्रेड क्रम में। और फिर ये फ्राई होगा। तेल अभी थोड़ा मेरा गर्म है, आई एम वेटिंग कि वो और ठंडा हो जाए। मैं बना के इसको इधर रेडी कर देती हूँ। कोई सी भी आप अच्छी सी कंपनी की वो क्रीम चीज़ ले लीजिएगा तो टेस्ट उसका अच्छा लगेगा। क्रैकर्स तो ये हमारे लोकल हैं, मैंने आपको बताया, और ये लोकल ही इतने मज़े के होते हैं कि और कोई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हल्के हाथ से बस इसको करना है कि ये टूटे नहीं। सॉफ्ट होते हैं, ये टूट सकते हैं। डबल चीज़ है इसमें, आप देखें हमारे उसमें बैटर में भी चीज़ है, अंदर भी चीज़ है, पामेजियन चीज़ इटालियनो की। टी ट्रॉली, बच्चों का स्नैक, किसी भी चीज़ के लिए यू कैन यूज़ दिस। और ये ब्रेड क्रम जो बच जाएगा उसको आप फेंकिएगा नहीं, उसको आप किसी भी ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें, किसी और चीज़ में आराम से काम आ जाएगा। मुझे आइडिया था तभी मैंने थोड़ा और ऑलरेडी कम कर दिया था। सब कुछ इसमें रेडी है, कच्चा कुछ भी नहीं है, तो फ्राई करने का भी आपको पता है कि जल्दी से बस इसको डालना है गरम तेल में और इसको निकालना है। उसी तेल के गरम के चक्कर में तेल बहुत ज़्यादा गरम हो गया था मेरा, बिकॉज़ आई डेंट वॉन्ट कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। अगर ज़्यादा देर हम इसको जिसमें गरम तेल में छोड़ देंगे तो फिर अंदर वाली चीज़ सारी मेल्ट हो जाएगी, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट। अच्छा, अब जब तक तेल मेरा इटालिया का गरम हो रहा है, रीकैप ब्रेक आ गई है। आप लोग जल्दी से जाएं, रीकैप देखें, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है आप लोग पेज पे लिख दीजिए, कॉल करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये सारे क्रैकर्स मैं फ्राई करके अपने टेबल पे लेके जाऊंगी। डिज़र्ट मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, उसको निकाल के टेबल पे रखूंगी। आप लोग जल्दी से ब्रेक रीकैप ब्रेक देख के और वापस आ जाएं। स्टे विद अस।
ब्रेकफास्ट क्विश अज्जा ब्रेड स्लाइस 8 से 10 अदद, फिटा हुआ अंडा 1 अदद, पानी 2 खाने के चमचे, पिघला मक्खन ब्रश करने के लिए फिलिंग के लिए, कद्दूकस शेडर चीज़ आधा कप, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 चाय का चम्मच, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, स्वीट कॉर्न आधा कप, कटी प्याज आधा कप, कटे सॉसेजेस 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक मिर्च आधा चाय का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, मशरूम आधा कप। क्विश टॉपिंग के अज्जा अंडे 2 अदद, दूध 1/4 कप, क्रीम आधा कप। तरकीब, पहले टार्ट ट्रे को मक्खन से ग्रीस करें, अब ब्रेड स्लाइस के किनारे काट कर रोल कर लें, फिर इसे अंडे से एग वॉश करके दबाएं और बेस तैयार कर लें। उसके बाद इसके किनारे काट कर क्विश की बेस को 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 10 मिनट बेक करें। फिलिंग के लिए पैन में तेल गर्म करके लहसुन, सॉसेजेस, सब्जियां, तमाम मसाले, चीज़, सिरका, सॉसेस और फिलिंग के तमाम अज्जा क्विश पर डालें। अब टॉपिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके क्विश पर शामिल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 15 मिनट बेक करके निकाल लें। फ्राइड चीज़ क्रैकर्स अच्छा, चीज़ क्रैकर्स 1 पैकेट, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, फिटे अंडे 2 अदद, सीजनड क्रम्स के अज्जा ब्रेड क्रम्स 1/2 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे। तरकीब, सीजनड क्रम्स के तमाम अज्जा को मिक्स करके ब्रेड क्रम्स में मिक्स करके रख दें। अब क्रैकर्स को खोल कर इनमें क्रीम चीज़ भरकर दूसरे क्रैकर से दबाकर बंद करें, फिर इन्हें अंडों में डिप करके सीजन क्रम्स में रोल करें, आखिर में इन्हें डीप फ्राई करके सर्व करें। चॉकलेट मौका क्रीम कस्टर्ड अच्छा, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, कास्टर्ड शुगर आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप, कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच, अंडे की जर्दी 4 अदद, पिटी हुई क्रीम सजाने के लिए। तरकीब, सॉस पैन में क्रीम, कास्टर्ड शुगर, चॉकलेट चिप्स और इंस्टेंट कॉफ़ी डालकर उबालें और चमचा चलाते रहें। अब इसे निकाल कर फेंट लें, फिर इसमें अंडे की जर्दी शामिल करके चमचा चलाएं। उसके बाद इसे 6 अदद रेमेकिन्स में शामिल करके बेकिंग पैन में रखकर गर्म पानी डालें और फॉइल से कवर करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट बेक कर लें। अब कप्स पानी से निकाल के ठंडा कर लें, आखिर में फिटी क्रीम से सजाएं और पेश करें। फ्राइड चीज़ क्रैकर्स अच्छा, चीज़ क्रैकर्स 1 पैकेट, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, फिटे अंडे 2 अदद, सीजनड क्रम्स के अज्जा ब्रेड क्रम्स 1/2 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ये जो मैं अभी कर रही थी, ये आपको उसको डिज़र्ट को ठंडा करके करना है। ये अभी आप देखो ये गर्म है, जिसकी वजह से चीनी इस पर थोड़ी सी जम रही है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आपने इस पर नॉर्मल आइसिंग शुगर सिर्फ डस्ट कर देनी है, इससे या छोटे स्ट्रेनर से, जो भी आपके पास सहूलत होगी। ठीक है, क्रैकर्स यहाँ पर रेडी हो गए, ये मैंने डिश आउट कर दिए। क्विश को भी मैंने प्रॉपरली डिश आउट कर दिया है यहाँ पर। आई होप आपको आज की चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कल आपसे मुलाकात होगी। कल भी 3 बहुत डिफरेंट मज़े की चीज़ें हैं। कल एक तो ट्रेमेसो फ्रैपे है, जो मेरा बहुत पसंद का ड्रिंक है, ठीक है, तो वो है। और एक कप केक्स हैं, एक आई थिंक वो भी कुछ एक्सप्रेसो या कप मोका टाइप के कप केक्स हैं, वो हैं। और बिल्कुल तीसरी चीज़ भी बहुत मज़े की है। तीसरी चीज़ है, इट्स अ पीटा शवरमा पिज़्ज़ा, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको कल बताऊंगी किस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। ये राउंड पिज़्ज़ा नहीं बनेगा, ना ये पिज़्ज़ा के डोसे बनेगा। अब अगर आप नाम से गैदर कर सकते हैं कि ये किस चीज़ से बनेगा, तो फिर आप लोग सोच के और मुझे बता दीजिएगा। ब्रेक में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि ये जो हमारा पुडिंग है, ये कितनी देर क्रैकर कितनी देर फ्राई होंगे। क्रैकर सिर्फ बहुत
डीप फ्राई करने हैं, बिल्कुल गर्म तेल में डालने हैं और निकालने हैं, बिकॉज़ इसको ज़्यादा हम लोग अगर फ्राई करेंगे तो अंदर की जो हमारे क्यूब्स हैं चीज़ के वो मेल्ट हो जाएंगे. सो मेक श्योर द ऑयल इज़ इनफ हॉट. आपने उसको डाला और बस दो सेकंड में वापस निकाल दिया, बिकॉज कच्चा तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको फ़ौरन फ्राई करके निकालना है. और जो हमारे डिज़र्ट का बेकिंग टाइम था दैट वॉज एग्जैक्टली 25 मिनट्स. ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 3 नई रेसिपीज़ के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.